बस हमने 7th तक ही किया था, आगे आपने ट्राई किए ना? सर 11, तो 7 नहीं 11, 11, ओके, 11 करना है या 12 से 12 करना है। से करना है? ओके, एक्सरसाइज 5.5 एंड क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट? यस सर। एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1, करेक्ट? विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? सर एक्स नहीं इम्प्लिसिट। एक तो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, हाँ सेकेंड ये इम्प्लिसिट भी है ना? एक्स टू द पावर वाई, वाई टू द पावर एक्स। अब आप एक्स और वाई को अलग अलग साइड से सेपरेट करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है? सर। अच्छा, वे अब इसमें हम क्या करेंगे, लॉग लेना है हमें? सर वी प्लस यू वाला करके फिर लॉग ले सकते यस, हैं। लॉग लेने से पहले हमें इसको यू और वी लेना होगा। लेट यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई एंड वी इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। रिया, ठीक है ये? यस सर। लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग यू वाई लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं ऐसा? एंड इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो व्हाट विल बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग यू? 1 by u du by du x y by x प्लस लॉग ऑफ x एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। yes सो डी यू बाई डी एक्स विल बी एंड वैल्यू ऑफ यू इज एक्स टू द पावर वाई। दिस वन, एंड अगर हम वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x/y एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, बताओ आगे बताओ। log y into 1 डी वी बाई डी एक्स क्या होगा? v इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग वाई। एंड वी इज वाई टू एक्स वाई टू द पावर एक्स। करेक्ट? यस सर। नाउ हमने अज्यूम किया था यू प्लस वी इज इक्वल टू 1, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, राइट? एंड यस इफ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, इट विल बी, करो एक बार सब्स्टिट्यूट करो आप दोनों वैल्यूज। रिया, आपने कर लिया बेटे यहाँ तक? यस सर। वो सब्सटीट्यूट कर रहे हो। हाँ, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। सर तो ये होगा एक्स टू द पावर वाई इनटू वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स।
प्लस वाई टू द पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो. y टू द पावर x इंटू x एक्स बाई बाय y वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग डिवाइड वाई. प्लस लॉग वाई। अब ऑल राइट, हाँ ब्रैकेट्स ओपन करो जरा। एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट? तो वाई माइनस वन कैसे आया? एक्स टू द पावर वाई था बेटा हमारे पास, इंटू वाई बाई एक्स था, ये एक्स टू द पावर वन है, वन पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, सो यू विल गेट एक्स टू द पावर वाई माइनस वन। बेस सेम, ये तो डिवीजन में वो माइनस में बेस आ गया. सेम है, डिवीजन में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एंड अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वाई इससे कैंसिल होगा, सो इट विल बी वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट? यस सर. नाउ यू कैन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। कल कितने बजे स्टार्ट होगा? एक मिनट। हाँ बेटा बताओ जरा, डीवाई बाई डी यस फाइंड किया आपने? सर. यस सर. लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू, एंड द जो टर्म्स विदाउट डीवाई बाई डी एक्स है उनको हम राइट में लिख सकते हैं, सो इट इज एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई टेकिंग माइनस साइन कॉमन प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y, करेक्ट? राइट बेटा, सो डी वाई फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ऑफ x टू द पावर y माइनस वन इंटू y प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y अपॉन एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स. करेक्ट। कुछ गड़बड़ है, और डी एक बाई पावर डी की एक्स का जो गड़बड़ वहां पे. हाँ है। और आपने उल्टा कर दिया. फाइव माइनस वन था ना ये? नहीं, वो डी वाई बाई डी एक्स आपने लॉग वाई लिखा है अंदर ब्रैकेट में. कुछ गड़बड़ किया, एक टर्म ये विदाउट ये और टर्म डिवाइड बाई डी एक्स वाली थी आपने कॉमन गलत और एक टर्म ये डिवाइड बाई डी एक्स वाली थी, और मैंने यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था एक्स वाई टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स, ये होना चाहिए था ना यहाँ पर, लिया है. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना था, यस. और जो उधर जाएगी वो टर्म डिनोमिनेटर जाएगी, सेम जाएगा, बाकी सब सही एक है. ये रहेगी, एक ये टर्म जाएगी राइट में एंड दूसरी टर्म होगी ये वाली, ठीक है? ये तो ठीक है, बट वैसे यही गलत कर दिया था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, यही होना चाहिए ना? यस सर.
हाँ ये होगा। नेक्स्ट वाले हम डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं ना, क्या बेटा? नेक्स्ट वाले में हम डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं ना। हाँ नेक्स्ट में आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं, 13th में आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं। 5 to the power x इज इक्वल टू x to the power y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ y to the power x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x to the power y। हमारी क्लास कितने बजे थी? 7 7 o'clock थी हमारी क्लास। यस सर। ओके सर कब तक होगी, 9 या फिर 8:30? कहीं जा तो नहीं रहे ना आज आप? नहीं सर, वो कल पेपर है ना, तो इसलिए। यस अच्छा कल पेपर है, अच्छा सर। चलो आज जल्दी खत्म कर देंगे फिर। वाई लॉग ऑफ वाई वाई लॉग सॉरी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई लॉग ऑफ एक्स। ठीक है बताओ इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर एक्स इंटू 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ जरा, प्लस प्लस भी तो 1 into log y इज वाई इक्वल टू बाय y into 1 upon x प्लस log x डी वाई बाई डी इंटू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट, प्रोडक्ट टू लेफ्ट में भी लगेगा राइट में भी लगेगा। ठीक है क्या करें अब? डीवाई बाई डी एक्स के जितने भी टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट में रख लेते हैं, तो एक तो एक्स अपॉन वाई आएगा और राइट हैंड साइड से ये टर्म शिफ्ट होगी, माइनस लॉग ऑफ एक्स ठीक है। यस सर। वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? सर वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है चलें आगे। यस सर। यस सर। ओके okay. वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स करो बेटा, डिफरेंशिएट करो इसको। ठीक है।
करो बेटा, कंटिन्यू करो इसको। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो हो गया। तो डिवाइड बाई डीएक्स कर दिया फाइंड आपने। गुड, चलो मैं छोड़ दूं फिर। सर ओके गुड, तो यहां मतलब मैं लिख देता हूं कि फाइंड डिवाइड बाई डीएक्स। ओके बेटा, 15th क्वेश्चन, शाबाश, कर दो जल्दी से, पढ़ लो, कोई बात नहीं, जितनी देर आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, जब छोड़ना हो मुझे बता देना, फिर कर लेंगे। कल पेपर से कितने, कल का डे क्या है? कल आपकी राजेश सर के साथ क्लास, यस सर, कल 5:30 to 7:30। 5:32 सर अच्छा ओके। आज हम पढ़ सकते, इतना भी वो नहीं है, इंग्लिश का ही पेपर है, बस रात को थोड़ा सा रिवाइज करके सोना। अच्छा चलो, 15th का, चलो जब तक, जब आपका मन करे बता देना मुझे, यस जब सर तक। ओके। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। आप इसको डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लॉग भी ले सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, किससे करोगे, लॉग से करोगे या डायरेक्ट करोगे? तो एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट टूल अप्लाई करना होगा। एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई एज इट इज। ई का एज इट इज रहता है। लेफ्ट साइड में तो आपने प्रोडक्ट टूल लगा दिया, राइट हैंड साइड के लिए एज इट इज रहेगा, इंटू पावर का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज ई टू द पावर। अच्छा बेसिकली वैसे तो देखो, प्रूविंग जब ऐसा लिखा होता है कि ऐसा ये प्रूव करो, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी का आंसर पता है, पीछे क्या लिखा होगा, है ना, तो वहां पर ई टू द पावर एक्स का कोई आंसर में कोई टर्म नहीं है। तो जब आप पीछे से आंसर मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि ई टू द पावर एक्स माइनस वाई कहाँ चला गया, राइट? तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ई टू द पावर एक्स माइनस वाई का की जगह पे ये वैल्यू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई, उन्होंने ये यूज कर लिया। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो दिस, अदरवाइज आपका आंसर फिर ई की फॉर्म में आएगा। तो आंसर वो भी गलत नहीं है, आंसर वो भी ठीक है, बट अभी हमारे आंसर क्योंकि पीछे से मैच करना है, तो हम ई टू द पावर एक्स माइनस वाई की जगह एक्स वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये होगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। तो बट एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ ये प्लस हो जाएगा बेटा, एंड ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ वाई, तो एक्स माइनस वन बचेगा, और यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ,
तो 1 प्लस वाई आएगा। अभी मैं कर हो गया बच्चे, ये हो गया। अब इसको लॉग से यस करना चाह रहे थे आप, देखो लॉग से कैसे करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, अगर हम इसमें दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ ई। एंड बच्चों आप साइड में लिख लीजिए लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, कैंसिल नहीं। अब ये वाला छोड़ दो, बस अब ये कल क्लास में करना है। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों आप, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स, लॉग वाई का होगा 1 बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो वही आंसर है। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। सिक्सटीन क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, सर प्रोडक्ट रूल से तो नहीं होगा ये, हम ज्यादा लंबा हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल से लॉग ले लेंगे हम बोथ साइड का। लॉग मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर वो अलग अलग हो जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा बीच में। हाँ, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे करने, करो एक बार ट्राई करो। नहीं परीक्षा नहीं, अभी ये चैप्टर कंटिन्यू करो। लेकिन एफ एक्स इज दिस, एफ डैश एक्स क्या होगा, तो सॉरी एफ एस एक्स नहीं, पहले हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ एफ एक्स क्या होगा। हम इस पे लॉग लगाएंगे तो ये सब सेपरेट हो जाएगा, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 8। ठीक है, लॉग एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स।
लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, 4x³ अपॉन बाय x⁴। करेक्ट। f(x) का मीनिंग समझते हो ना बेटा? यस वो डेरिवेटिव का वही होता है। हाँ, f(x) राइट में शिफ्ट हो जाएगा और f(x) की वैल्यू भी लिखनी है आपको। ठीक और अब बस क्या 1 की 1 डाल देंगे एक्स की जगह? F(1) फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, ये डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद डालना होता है, ये ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं है कि आप पहले f फंक्शन में ही वन डाल दें, वो नहीं, ये ध्यान रखना है। अब वन डाल देंगे इसमें, कर दो बच्चों इसको सिंपलीफाई कर दो, क्या आता है? उसी चलिए सर आंसर 120 है क्या? सर वहां चले जाओ। 120 मेरा भी 120 आया है। सर आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार पीछे। फाइव पॉइंट फाइव है ना ये? हाँ, 120 है बेटा, 120 आंसर। अगला क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या है? मैं सेवेंटीन तो में हमें, इसीलिए हाँ जैसे 17 में हमें ये दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो ये इसे इसको हमें जैसे हम एक तो इस पे प्रोडक्ट टू लगा सकते हैं, एक ऐसे हम इस पे लॉग लगा सकते हैं, ठीक है? तो लॉग एम प्लस लॉग एन बन जाएगा, और एक हम इसके ब्रैकेट ओपन कर दें और फिर इसको डिफरेंशिएट करें, जैसे हम 11th में फर्स्ट एक्सरसाइज में करते थे, ठीक है? तो ये तीन तरह से डिफरेंशिएट हो सकता है, वही सब करना है। बुक में भी वही लिखा है कि एक बार तो यूजिंग प्रोडक्ट टूल इसको सिंप्लीफाई करो, एक बार एक्सपोनेंट एज ए प्रोडक्ट ऑप्टेंट सिंगल पॉलिनोमियल बाय एक्सपेंडिंग, मतलब ब्रैकेट ओपन करना है, फिर तो सिंगल सिंगल टर्म आएंगी उनको डिफरेंशिएट करना है, और एक लॉग लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? तो आप ये ट्राई करेंगे। 18th वाला सम देखो अभी आप, इसमें क्या कह रहा है? यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू
क्या दिया हुआ है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी और डब्ल्यू को एज इट इज रखा, शो करना है, ये शो करना है, प्लस डी वी बाई डी एक्स एज इट इज रखा, यू और डब्ल्यू एज इट इज रहेंगे, प्लस में यू को एज इट इज रखा, वी को एज इट इज रखा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो वैसे इनर वे इन अ वे एक रूल ही है, प्रोडक्ट रूल हुआ, थ्री ये टर्म्स प्रोडक्ट का। रूल है, तीन का प्रोडक्ट रूल है ये, है ना। यस सर। सर बट टर्म्स तो दो ही है। इन टू वेज, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वही कह रहे हैं, एक बार तो लॉग लेके दिखाओ, ठीक है, इजी फिर है ये प्रोडक्ट। तो। हाँ ये ऐसे सम आते नहीं है, ये सब ऐसे ही। और वैसे एक बार बताऊं, मैंने लास्ट के तीन क्वेश्चन आज तक नहीं करवाए। हाँ पहली बार आपको करवा रहा हूँ, वरना मैं यही 15 के आगे कहता हूँ छोड़ दो, नीचे का करना हो तो देख लेना, नहीं करना तो भी कोई जरूरी नहीं है। बाकी है कुछ नहीं इनमें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट रूल से अगर आप इसको करोगे तो कैसे होगा ये डी बाई डी एक्स। और आप इसको प्रोडक्ट रूल ले ले, एक बार यू और वी ले लें और डब्ल्यू को अलग फंक्शन ले लें, तो तो एक ये यू हो की गया, कोई एक ये हो गया। एक तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, यू वी करेंगे और डब्ल्यू एज इट इज रहेगा, प्लस में डी बाई डी एक्स यू वी एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू करेंगे, फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यू एज इट इज रहेगा, डी वी बाई डी एक्स होगा और डब्ल्यू एज इट इज रहेगा, प्लस जब इससे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फिर डी यू बाई डी एक्स होगा, वी एज इट इज रहेगा और डब्ल्यू तो है ही एज इट इज, प्लस इसमें यू वी एज इट इज है और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है, तो ये प्रोडक्ट रूल से जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यही हमें शो करना था, ठीक है। एक बार अगर हम लॉग लेके करें तो हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, और लॉग लेके तो आप करना जानते ही हैं, ठीक है, दोनों साइड आप लॉग ले लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू वी डब्ल्यू, आगे वैसे ही करना है जैसे हम यूजुअली करते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इसमें बच्चों एग्जाम्पल नंबर 30, मेरी बुक में तो 33 है, आप अपने बुक में देखो जरा ये एग्जाम्पल कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्स टू द पावर वाई, वाई टू द पावर एक्स, ये वाला काफी पर एग्जाम्पल 30 है, 30। एग्जाम्पल 30, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, वो आपको आना चाहिए। तो यस सर। मोस्टली डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो गया, मिसलिनियस बाकी बच गई हमारी। सर कौन सा एग्जाम्पल करना आपके पास कौन सी, थर्टी नई वाली बुक है बेटा पुरानी वाली? सर? अभी बुक तो मेरे को मिल नहीं रही, तो मैंने पीडीएफ खोल रखा है, पीडीएफ उसमें में पुराना थर्टी, होगा। पीडीएफ पुराने वाली है उसमें 33 होगा, ठीक पीडीएफ पुराने वाली है, 33 एग्जाम्पल है, पेज नंबर 176। है। यस सर। मिसलिनियस में आ जाओ बेटे, देखो मैं आपका होमवर्क देता हूँ आपको बहुत सारा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सर पहले कर लो। एग्जाम्पल 30 नहीं कर रहे? क्या बेटा? पहले एग्जाम्पल 30 नहीं कर रहे? अच्छा नहीं वो आपको होमवर्क में करना है बेटे, ओके। सर मिसलिनियस पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, होमवर्क में करना है, सेकंड भी खुद ही करना है, थर्ड भी खुद करना है, फोर्थ भी खुद करना है, मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई टू अपॉन दिस, कीसा कैसे होगा बेटा ये सम? सर क्वेश्चन रूल क्वेश्चन टू, क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन रूल से की बजाय इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी होगा, तो आप इस पे क्वेश्चन लगा के भी कर सकते हो, प्रोडक्ट लगाओ ज्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए, 2x+7 की पावर -1/2 हो जाएगा ये, अब इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, कॉस इनवर्स x बाई टू एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
माइनस 1/2, 2x+7 रेज टू पावर माइनस थ्री, पावर माइनस 3/2 हो जाएगा ना इसकी, है ना। माइनस आपसे एक लेस करेंगे, -3/2 हो जाएगी, उसको डिनोमिनेटर में रखोगे तो 3/2 हो जाएगी। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, दिस इज कॉस इनवर्स x/2 इंटू -1/2 इंटू 2x+7 रेज टू पावर -3/2 यस प्लस 2x+7 रेज टू पावर -1/2 इंटू, सर, इसका इसके डेरिवेटिव क्या हम होगा? 2x+7 को का डेरिवेटिव इंटू नहीं करेंगे फर्स्ट टर्म में? अच्छा नहीं किया मैंने वो, 2x+7 का भी डेरिवेटिव आएगा इंटू 2 होगा बेटा यहाँ पर, इसमें 2x+2 वाले में 2x+7 रेज टू पावर -1/2 एज इट इज रहेगा, और कॉस इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 -x² / 4 हो जाएगा ये, इंटू में x/2 का डेरिवेटिव करेंगे जो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस क्यों लगा है बीच में, प्रोडक्ट रूल में तो प्लस होता है। सर कॉस का, कॉस इनवर्स का, हाँ कॉस इनवर्स की वजह से, तो dy/dx थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x अपॉन 2x+7 रेज टू पावर 3/2 माइनस, ये क्या हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में टर्म है सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी, 4 -x² तो इसको 2 - x लिख सकते हैं। और जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 4 रहेगा वो रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या कह रहे थे बेटा प्रिया? सर जो नीचे √4 - x² है इसको 2 - x सीधा लिख दें। 2 - x नहीं लिख सकते बेटा, वो होल स्केयर होता तब लिख सकते थे। अच्छा हाँ ओके ओके सर, हमने 1/2 कैसे किया ऊपर वाले? ये x/2 का डेरिवेटिव किया ना बेटे, ठीक अच्छा ओके ओके है इनटू, अच्छा हाँ इनटू में ये टर्म नीचे जाएगी, -1/2 पावर है तो √2x+7 हो जाएगा, एंड इनटू 1/2, 1/2 से आप 1/2 को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा हो गया कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2x+7 रेज टू पावर 3/2 -1/√4 - x² इंटू 2x+7 रूट, ये हो जाएगा। सर एक सेकंड, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। हमने कॉस इनवर्स x/2 को कॉस इनवर्स x कैसे लिखा सेकंड लास्ट स्टेप में? सर आप म्यूट पे हो। मुझे ये 2 काटना था, इस 2 से ये 2 काटना था, और बाई मिस्टेक मैंने ये वाला 2 काट दिया, ये x/2 ही रहेगा, ठीक है। ये इस 2 से ये 2 कट होना है, ठीक है, ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, x/2 ही रहेगा वो, सर पर फिर एक और नेगेटिव साइन भी तो आएगी ना, क्योंकि ठीक है। वो कट गया तो -1 बचा ना। -1/2, अच्छा -1 था, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलें आगे,
एक ही पेज में दो पेन से ना बेटा, बहुत मोटा पेन, 5.7 है ये। इस नोटबुक में देखना कितना मोटा मोटा लिखता है, और इसमें एक पेज में दो पेन से क्यों लिख रहे हो? थोड़ा पेन को चला के देखो उस पर। यस हाँ सर। चल चले आगे। 6th क्वेश्चन देखो जरा। कॉट इनवर्स, वाई क्या है? कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और इसको हम कॉस एक्स से डिवाइड कर। वैसे हमने क्वेश्चन किया है ना, लेकिन पहले कॉस क्या है यार, कहाँ किया है, ट्रिगो में किया है ऐसा। इन्वेस्टिगो में किया है। यस वहां पर इस टर्म को सिंप्लीफाई करना था, इक्वल टू तो कॉस इसमें इनवर्स एक्स। साइन एक्स की वैल्यू डाल देंगे। वो 2 sin x/2 cos x/2, या फिर इसको कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। देखो बेटा, 1 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे cos² x/2 प्लस sin² sin² एक्स बाई 2 प्लस ओ टू ओके साइन ओके एक्स बाई 2 cos x/2। तो इसमें सारे में वो लग जाएगा, और फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी a+b² और फिर ईसा ये वो। ठीक है बेटा? यस सर। सो इट इज cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वेयर एंड दिस इज cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, इसको हमने sin x/2 ऊपर वाले में तो देखो sin x/2 प्लस cos x/2 लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? बट नीचे वाले में अगर हम इसको sin x/2 माइनस cos x/2 भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? ईसा बताओ। और एंड में जाके आई थिंक कोई आइडेंटिटी बनेगी इसलिए। नहीं ये तो ए स्क्वेयर, देखो बेटा ऐसा होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ab, इसको आप ए माइनस बी का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हो, या फिर ए बी माइनस ए का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने ये कोस बाय माइनस साइन लिखा, साइन माइनस कोस क्यों नहीं लिखा, या लिख उसको लिख सकते थे।
मतलब लिख सर मेरे सकते को हैं। याद है, मैंने तो मैंने ये सेम गलती यूनिवर्सिटी के टाइम करी थी। मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए फिर से किया था, मुझे याद नहीं आ रहा सर ने क्या बोला था। देखो बेटा इस क्वेश्चन के साइड में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन के साइड में लिखा है ओके क्योंकि सर हमें उसकी रेंज की वजह से 0 इज लेस देन x, रेंज की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपको ये पता है कि रूट ऑफ एक्स लिखा है तो एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, यस एक तो। दूसरी चीज, इसका रूट ऑफ एक्स, मान लो मैं आपके पास लिख दूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स इसका आंसर होता है मॉड ऑफ एक्स, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स नहीं। मान लो मैंने आपको लिख दिया -3 का स्क्वायर और ये, और आपने इसको काट के आंसर लिख दिया -3, तो ये आपका आंसर गलत है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट कर दिया, -3 आ गया, तो आपका आंसर गलत है। क्योंकि हाँ सर गलत होगा। स्क्वायर स्क्वायर पहले ही काटेंगे तो 9 आएगा, फिर उसके बाद करेंगे तो 3 आएगा, तो पॉजिटिव 3 होगा ना। ऐसे भी तो हो देखो सकता इट शुड बी 3 होना चाहिए ये मोड। है। ठीक जाओ मोड ऑफ 3 होता है, पॉजिटिव आंसर होता है। देखो इंटरवल आपको ये दिया था, यहां पर आपने निकाला क्या, आपके पास ये था cos x -sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको इससे काट काट के लिखेंगे तो आप लिखेंगे cos x -sin x का मोड, ठीक है। अब इंटरवल आपको दिया है पाई, 0 इज लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो ये हो गया x/2 लेस देन पाई बाई 4। x/2 की वैल्यू आपकी कहाँ लाई कर रही है, 0 से पाई बाय 4 के बीच में। 0 से पाई बाय 4 के बीच में कॉस का ग्राफ ये पाई बाय 2 है और साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 से पहले कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, साइन की वैल्यू छोटी होती है, तो cos - sin पॉजिटिव आएगा। cos - sin पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉड होता है cos x/2, मतलब एज इट इज ही रहता है। पॉजिटिव वैल्यू का मॉड निकालते हो, जैसे कि √3 का मॉड निकालोगे, 3 का मॉड निकालोगे तो ये 3 आएगा। लेकिन अगर आप इसको लिखते sin x/2 - cos x/2 होल स्क्वेयर √, स्क्वेयर के स्क्वेयर कट करके आप, और इसको लिखते sin x/2 - cos x/2 मोड, ये आपका आंसर होता है पॉजिटिव मोड। हमने लिखा पॉजिटिव बनाने के लिए। अब देखो cos x/2 इंटरवल आपका 0 से पाई बाय 4 का है, x/2 आपका 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि x/2 कहाँ है, 0 से पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है। पर 0 से पाई बाय 4 के बीच में cos बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो ये जो अंदर वैल्यू है ये नेगेटिव होगी। और जब आप नेगेटिव वैल्यू का मोड फाइंड करते हैं तो क्या होता है, वो उसके आगे एक माइनस लग जाता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वैल्यू ऑफ मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब -3 का मोड फाइंड करते हैं तो उसके आगे एक माइनस लग जाता है, ठीक है। जैसे -3 के आगे एक माइनस लग गया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा -sin x/2 - cos x/2। और जब इस माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे तो वापिस ये आपका बनेगा cos x/2 - sin x/2। इसलिए हमने पहले ही उसको cos x/2 - sin x/2 लिख दिया ताकि वो पहले से ही पॉजिटिव रहे, और पॉजिटिव से हम रूट से स्क्वेयर को डायरेक्ट कैंसिल करके सीधा आंसर लिख दें, करेक्ट, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot इनवर्स √1 + sin x की जगह आप क्या लिखेंगे, √1 + sin x की जगह क्या लिखेंगे, सर cos x/2 sin x/2 -sin x/2। √1 - sin x की जगह क्या लिखेंगे,
ठीक है माइनस थोड़ा प्लस नहीं होगा कहाँ पर? सॉरी सर? पहले वाले में प्लस होगा। अच्छा पहले वाले में प्लस था, ओके ठीक कल आपकी छुट्टी है क्या? छुट्टी नहीं सर, पेपर होनी चाहिए थी कल तो, आपकी छुट्टी क्यों सर नहीं है? हमारा स्कूल नहीं देता छुट्टी। वही आपका स्कूल देशद्रोही क्यों बन रहा है? क्या वही सर, सीबीएसई ने भी बोल दिया अब तो कि छुट्टी देनी चाहिए, लाइक 1 अप्रैल तक छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, कल तो वैसे भी शहीदी दिवस है ना, शहीदों की याद में दिवस मनाया जाता है। भगत पर सिंह का वो है ना कल कुछ, शायद मे बी भगत सिंह का बर्थडे, उसके उसमें ऐसे मनाया तो फिर हर हर चीज के लिए फिर नहीं। सारे दिन गवर्नमेंट छुट्टी। हरियाणा गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग छुट्टी है वो, तो आपका स्कूल तो हरियाणा में ही है ना, हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग स्कूलों की छुट्टी है। हमें नहीं दी अब भगत सिंह के उसमें तो छुट्टी देनी चाहिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका स्कूल देशद्रोही क्यों बन रहा है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। देखो इसने इतने बड़े क्वेश्चन का हमने सर। डेरिवेटिव एक्स बाय टू का हमने, किया, अच्छा ओके हाँ गॉट। एंड देखो डेरिवेटिव हमने सिर्फ इस लास्ट के स्टेप में किया है, डेरिवेटिव इस स्टेप में किया है सिर्फ, बाकी पूरे उसमें हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है ना। सेवेंथ क्वेश्चन है बेटा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी की एप्लीकेशन है, आप ट्राई करेंगे। एट्थ भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी आप ट्राई करेंगे। नाइन्थ टेंथ आप ट्राई करेंगे, इलेवेंथ भी आप ट्राई करेंगे, ट्वेल्थ भी आप ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, नहीं आएंगे तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, पूछेंगे मुझसे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उससे उस टाइप के, हम उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई होप कि उनको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी अगर आएगी तो हम कर लेंगे क्लास में। देखो जरा क्या करेंगे, सर दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव निकाल के फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। नहीं हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा पहले सिंपलीफाई करेंगे इसको, वाई को उधर लेके जाओ, डायरेक्टली करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब आपके लिए, और शायद प्रूव भी ना हो, ठीक है, जो प्रूव करने के लिए हमें बोला है वो नहीं होगा, डायरेक्टली करेंगे तो स्केयरिंग बहुत साइड करेंगे इसमें हम। SBS एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू वन प्लस एक्स, दिस वन ठीक है,
इसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इजिक एक्स वाई स्क्वेयर को हम लेफ्ट में ले आएंगे प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक फैक्टर हम कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस वाई, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सर एक्स प्लस वाई कैसा आया अंदर? एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया ना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी वाला। इसके दो फैक्टर बने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर बने एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई यस इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई और यहाँ बचेगा एक्स वाई। ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार, एक्स माइनस वाई इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है। सो आइदर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या तो फर्स्ट टर्म जीरो होगी या सेकेंड टर्म जीरो होगी, बट फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकती। जैसे देखो, फर्स्ट टर्म अगर जीरो होगी तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स माइनस वाई जीरो हुआ तो वहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्स और वाई इक्वल नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को बिगनिंग से जाके देखो, अगर हम एक्स और वाई को इक्वल ले लेते हैं तो एक्स एक्स हमारा क्या है, एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई। अगर एक्स और वाई इक्वल है तो यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस वाई की जगह एक्स डाल देंगे तो ये भी वन प्लस एक्स। एक्स को कॉमन ले लिया, वन प्लस एक्स रूट प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स ये आएगा। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स अगर दिस इज इक्वल टू जीरो, ओके, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि रूट का आंसर पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दो पॉजिटिव टर्म्स का सम है, जीरो नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, एंड ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक्स और वाई अगर अलग अलग हैं तो फिर ये जीरो नहीं होगा। एक केस में जीरो हो सकता है कि अगर एक्स जीरो हो तो सिर्फ, बट वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, राइट? सो एक्स और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को अगर हम जीरो लेते हैं तो एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये दो पॉजिटिव टर्म्स हैं, इनका सम पॉजिटिव आएगा इनटू में एक्स, ये किसी नॉन जीरो वैल्यू के लिए कभी जीरो नहीं हो सकता, राइट? तो एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे, एक्स वाई इक्वल नहीं होंगे तो एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स और वाई इक्वल नहीं हो सकते इसलिए ये वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो दोनों में से एक फैक्टर तो जरूर जीरो होगा, तो फिर जीरो कौन सी टर्म होगी, ये वाली। यहां से आगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर यहां से आप वाई कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा वन प्लस एक्स, और एक्स को हम राइट में लेके जाएं तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। अब वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये एक्स प्लस वन राइट हैंड साइड में नीचे चला गया। सो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, करेक्ट? अब अगर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, माइनस को तो ऐसे ही रहने दो, बिगनिंग में माइनस को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है
उस पे हम कोसेंट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोसेंट रूल। सो ये हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस x, एंड x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस x एज इट इज। इसका x+1 का डेरिवेटिव 1 होगा, बीच में क्या आएगा, माइनस साइन ड्यू टू कोसेंट रूल। dy/dx इज माइनस ऑफ 1 प्लस x माइनस x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वेयर, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो रोल नहीं हो रहा किसने बोला? मैंने और सुबह से पढ़ रही हूँ अब और नहीं हो रहा। ओके रिया, एक क्लास और लगेगी बेटे 1 घंटे की, बताओ कब करोगे? तो 2 मिनट्स तक और पढ़ा लो, 8:30 छोड़ देना। टू अच्छा मिनट्स में कोई क्वेश्चन होगा नहीं ना। पर सर नेक्स्ट क्लास सर मेरी कलर परसों, दोनों दिन राजेश सर के साथ क्लास है, परसों 3 घंटे की है, तो मेरे से कल परसों तो नहीं होगा, पर सैटरडे संडे मेरा फ्री है। ठीक सर सैटरडे मैं फ्री नहीं होंगी, पर संडे कर सकते हैं। संडे, संडे को पर ठीक है सर संडे। संडे 12 बजे की बात करना होगा, क्योंकि 9 to 12 हाँ होगी। बाद में ही आफ्टरनून में ही करेंगे, संडे करेंगे तो, क्योंकि मैं कहीं जाऊंगा तो रात को वापस आऊंगा मैं, अर्ली मॉर्निंग 4 मतलब अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे में तक मैं वापस आऊंगा, तो आगे थोड़ा तो मुझे सोना पड़ेगा। सर संडे और को शाम को कर लेंगे, क्योंकि सर हम भी सोएंगे। तो आफ्टरनून में या तो हम पढ़ सकते हैं या ठीक है मंडे सर। को, है ना, आफ्टरनून में कर लेंगे, संडे करते हैं। यस संडे आफ्टरनून में पढ़ लेंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। सर। ओके थैंक ओके बेटा, यू सर। यू सर। गुड ओके नाइट। वेलकम बेटा, थैंक यू।